कुछ मोटाई हैं लोढ़ा हुई हैं, यानी कि चूहे को खूब ज़्यादा खिलाने पिलाने और उसकी सेवा करने से, बड़े ओहदे पर बिठा देने से बढ़ के अजगर नहीं हो जाएगा। उसकी अपनी सीमाएं होती हैं, ठेठ भाषा में कहें तो उसकी अपनी औकात होती है। वही हाल इस तथाकथित चमत्कारी धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग का है। आखिरकार इस व्यक्ति ने अपनी मानसिक अक्षमता का प्रदर्शन कर ही दिया। इसने दिखा दिया कि समाज को लेकर इसकी सोच क्या है और ये किस विचारधारा का प्रोडक्ट है। हजारों की भीड़ के बीच दूसरों का भूत भविष्य वर्तमान बताने का दावा करने वाले इस आदमी ने एक ऐसी बात कही है जो खुद इसका भूत भविष्य और वर्तमान स्पष्ट रूप से सामने रख देता है। हजारों लाखों की संख्या में जो महिलाएं इसके भीतर भगवान का रूप देखती हैं, उन महिलाओं को इसने खरीदने बेचने वाली संपत्ति घोषित कर दी है। आज एक बार फिर से इस मामले पर अच्छे से बात करेंगे। इसके साथ ही चर्चा करेंगे राहुल गांधी की कि क्या राहुल गांधी ने बड़ा वाला मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, क्या गुजरात की जोड़ी को उन्हीं के जाल में फंसा दिया है और इतना बुरा फंसा दिया है कि निकल पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है। बातचीत शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप में पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में भाषण देते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, इन सारे चोरों के नाम में मोदी क्यों है। इसे लेकर गुजरात के भाजपा नेता ने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया। चौंकाने वाला मामला यह था कि नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी और ललित मोदी में से किसी को भी यह बात बुरी नहीं लगी, एक चौथे मोदी को बुरी लग गई। मुकदमा दर्ज होने के बाद इस मामले को तब तक रोक कर रखा गया जब तक इसकी जरूरत राजनीतिक तौर पर नहीं पड़ी थी। वो कहते हैं ना कि तर्कस में तीर बचा के रखो, मौके पर काम आएगा। पीएम मोदी के सबसे घनिष्ठ मित्र गौतम अदानी पर जैसे ही दुनिया के सबसे बड़े कथित फ्रॉड का आरोप लगा, दुनिया भर में सवाल उठने लगे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सदन में मोदी और अदानी के बीच के रिश्तों की बखिया उधेड़ दी, तब बीजेपी को महसूस हुआ कि अब तर्कस से तीर निकालने का वक्त आ गया है और रॉकेट की रफ्तार से सुनवाई हुई। फैसला हुआ राहुल गांधी को इतिहास की अधिकतम सजा दे दी गई और इतनी सजा दी गई जितने से उनकी संसद सदस्यता खत्म की जा सके, चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई जा सके। मानहानि का कानून जब से अस्तित्व में आया था, इतिहास में यह दूसरा मामला था जब किसी को अधिकतम सजा दी गई हो। हालांकि इस मामले में भाजपा के समर्थक तथा कांग्रेस के समर्थक दोनों ये स्पष्ट रूप से मानते हैं कि ये सजा किस वजह से हुई है और जानते भी हैं। गुजरात में मजिस्ट्रेट कोर्ट के बाद हाईकोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली, जिसकी आशंका सभी को पहले से थी। अब इस मामले को लेकर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और लोगों को जितनी आशंका गुजरात के अदालतों पर थी कि वहां से राहुल गांधी को कोई राहत नहीं मिलने वाली है, उससे कहीं ज्यादा भरोसा सुप्रीम कोर्ट पर है कि राहुल गांधी को वहां से न्याय मिलेगा। और इस भरोसे का स्पष्ट कारण है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। पिछले कुछ महीनों के कार्यकाल में ही इन्होंने सिद्ध कर दिया है कि इनका जो भी फैसला होगा वो मेरिट पर होगा, जो कि असल में एक अदालत का धर्म होता है, एक जज का कर्म होता है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ने और सरकार गिराने का, तमाम मौकों पर चीफ जस्टिस ने जो फैसला दिया और जो टिप्पणियां की, उनसे केंद्र की मोदी सरकार बुरी तरीके से हिली हुई है। और हिली हुई मैं क्यों कह रहा हूं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबके सामने है। महाराष्ट्र के मामले को ही देख लीजिए। शिवसेना तोड़ने के बाद एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर महाराष्ट्र में अच्छी खासी सरकार चल रही थी, मगर फिर भी एनसीपी को तोड़कर अजीत पवार और अन्य विधायकों को मंत्री पद देने की क्या मजबूरी थी। बात साफ है कि कहीं ना कहीं मन में डर था कि यदि एकनाथ शिंदे के ग्रुप वाले विधायक अयोग्य घोषित हो गए तो फिर महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार का क्या होगा। यह है सुप्रीम कोर्ट का खौफ और अपने कुकर्मों का डर। यह डर इतना बड़ा है कि कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री जिस पार्टी को महाभ्रष्ट बताते हैं और जेल भेजने की गारंटी देते हैं, पता चलता है कि हफ्ते भर के अंदर ही वो सारे भाजपा सरकार में शामिल हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम से लेकर वित्त मंत्री और शिक्षा स्वास्थ्य सारे मंत्रालय सौंप दिए जाते हैं। अब सवाल यह है कि यदि सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी को राहत मिल गई और 2 साल की सजा कम कर दी गई या समाप्त कर दी गई तो क्या होगा। एक मजिस्ट्रेट कोर्ट से सजा होने के बाद रॉकेट की रफ्तार से राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली गई और कोई मोहलत नहीं, कोई इंतजार नहीं। वजह साफ थी कि ये आदमी सदन में मोदी अदानी के रिश्तों पर सवाल न करे, कलाई न खोले। मगर अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि सुप्रीम कोर्ट में सजा पर रोक लगा दी गई और संसद की सदस्यता बहाल हो गई तो फिर भाजपा के तथाकथित चाणक्य और देश के प्रधानमंत्री खुद को क्या मुंह दिखाएंगे, क्योंकि तब तो सारी असलियत प्रमाणित हो जाएगी। जो बात अब तक लोगों के मन में है कि गुजरात में सब कुछ किसी के इशारे पर होता है, वो एक संवैधानिक संस्था द्वारा प्रमाणित हो जाएगी। राहुल गांधी की सदस्यता छीन लेने से पहले ही दो तरफा नुकसान हो चुका है। एक तो गुजरात की न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठा, दूसरे जनता के मन में राहुल गांधी के प्रति संवेदना पैदा हुई। लोग अब सवाल करने लगे हैं कि जिस छोटी सी बात के लिए राहुल गांधी को 2 साल की अधिकतम सजा दी गई, यदि इस हिसाब से देखा जाए तो पीएम मोदी ने स्वयं अपनी जबान से ऐसी ऐसी बातें बोली हैं जिन पर सैकड़ों साल की सजा हो सकती है। करोड़ों की गर्लफ्रेंड से लेकर कांग्रेस की विधवा तक, जर्सी गाय से लेकर अनेक ऐसी बातें स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा बोली गई।
गई हैं जो अनैतिक भी कही जा सकती हैं, असंवैधानिक भी कही जा सकती हैं और असामाजिक भी कही जा सकती हैं। बीजेपी तथा आरएसएस से जुड़े हुए तमाम लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आए दिन मुंह खोलते ही देश के खिलाफ जहर उगलते हैं। दर्जनों सांसद और विधायक हैं जो सरेआम संविधान को गालियां देने का काम करते हैं, देश में नफरत फैलाने का टेंडर जिन्होंने ले रखा है। मगर आपने कभी नहीं सुना होगा कि पिछले 9 सालों में किसी को कोई सजा दी गई हो या फिर डांट फटकार भी लगी हो। हाँ, सजा के रूप में इतना जरूर हो जाता है कि देश के प्रधानमंत्री कह देते हैं कि कभी मन से और दिल से माफ नहीं करूंगा। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के मामले पर क्या फैसला आता है। मगर एक बात तो तय है कि फैसला जो भी होगा देश की राजनीति पर उसका ऐतिहासिक परिणाम होगा। वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि क्या राहुल गांधी ने गुजरात की जोड़ी को बुरी तरीके से फंसा दिया है। ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि सजा मिलने, सदस्यता जाने तथा घर छीन लिए जाने के बाद भी राहुल गांधी के ऊपर उन चीजों का कोई असर नहीं दिखा। हाल ही में आपने देखा कि एक तरफ गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देने से इनकार कर दिया, दूसरी तरफ राहुल गांधी खेतों में किसानों के साथ जाकर धान की रोपाई कर रहे थे। मामला साफ है, सत्ताधारी दल के नेता राहुल गांधी से आसमान छीनने में लगे थे और राहुल गांधी जमीन पर खुद को स्थापित कर रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरीके से राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है, लोगों का विश्वास बढ़ा है, यह अभूतपूर्व है। करोड़ों रुपए खर्च करके जिस राहुल गांधी को पप्पू साबित करने की कोशिश की गई, कुछ महीने की यात्रा ने इन सारी कोशिशों पर पानी ही नहीं बल्कि बहुत कुछ फेर दिया, मामला साफ कर दिया। यात्रा के कारण राजनीतिक रूप से लाभ की बात करें तो हाल ही में कर्नाटक का चुनाव परिणाम भी हमने देखा है। मगर इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता कि उसी तरीके का चुनाव परिणाम आने वाले सभी चुनाव में कांग्रेस को मिल सकता है। यह बात अलग है कि आगामी विधानसभा चुनाव में अभी तक कांग्रेस की स्थिति मजबूत नजर आ रही है, लेकिन छोटी सी लापरवाही बड़े दुष्परिणाम दे सकती है कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि बीजेपी के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए बहुत कुछ किया जा सकता है। बहुत कुछ का मतलब किसी भी तरीके की तोड़फोड़ या जुगाड़ वाली राजनीति की बात कर रहा हूं। हालांकि जानकारों का मानना है कि कांग्रेस और कई सारे राजनीतिक दल अब भाजपा की छलनी में छनकर साफ हो गए हैं। जितने भी विपक्षी दलों के नेताओं पर कोई भ्रष्टाचार का मामला चल रहा था, उन सब ने या तो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है या फिर वो जेल में है। अब तो चर्चा इस बात की भी होने लगी है कि कहां तो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने चले थे और भ्रष्टाचारी मुक्त कांग्रेस बनाकर छोड़ दिया। बहरहाल अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है और इंतजार है कि राहुल गांधी पर कैसा फैसला आता है। वैसे सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के पहुंचने से पहले ही भाजपा नेता पुणेश मोदी पहुंच गए थे, ये कहते हुए कि राहुल गांधी को सुनने से पहले हमारी भी सुन लीजिए साहब। ज्यादातर लोग भाजपा के इस एक्शन को सुप्रीम कोर्ट से डर मान रहे हैं। बहरहाल अब चर्चा इस व्यक्ति की कर लेते हैं। ये देश बड़ा अनूठा है और यहाँ के लोग उससे भी ज्यादा अनूठे हैं। एक बार जिसे भगवान मान लिया, जब तक वो भगवान पूरी तरीके से जनता के सामने नग्न अवस्था में न पहुंच जाए तब तक उस भगवान की असलियत को स्वीकार नहीं करते। और बहुत सारे तो ऐसे भी होते हैं जो सब कुछ जानते समझते हुए भी सच को स्वीकार नहीं कर पाते या करना ही नहीं चाहते। शायद ऐसे ही लोगों को अंधभक्त कहा जाता है। हमारे देश में हर दिन या हर हफ्ते छोटे मोटे बाबा पैदा होते रहते हैं, हर महीने या हर साल उनमें से कोई बड़ा बाबा बन जाता है। और बड़े स्तर पर पहुंच जाने के लिए जरूरी है कि आप लोगों को कितना ज्यादा बरगला पाते हैं, कितने अच्छे तरीके से अपनी बातों में उलझाकर टोपी पहना सकते हैं, यानी बाबा बनने की यही काबिलियत होनी चाहिए। धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग नाम के इस व्यक्ति पर हमने पिछले कई महीनों में कई बार चर्चा की है। हमने ये भी बताया था कि किस तरीके से ये व्यक्ति धर्म और भगवान के नाम पर ढोंग तथा पाखंड की दुकान चलाता है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तथा अन्य राजनीतिक दलों के लोग भी ऐसे बाबाओं के पैरों में नजर आते हैं। उसका कारण इन बाबाओं की शक्ति नहीं है, चमत्कार नहीं है, बल्कि बाबाओं के पीछे आने वाली भीड़ है। इन बाबाओं की भीड़ में आपको ज्यादातर महिलाएं दिखती हैं। ऐसे लोग देखते हैं जो किसी न किसी रूप में जीवन से परेशान है और उस परेशानी से निकलने की कोशिश में जहां भी छोटी मोटी उम्मीद नजर आती है वो फर्जी ही सही वहां खुद को समर्पित कर देते हैं। आप अक्सर सुनते होंगे कि माँ बाप अपनी बिटिया को किसी बाबा के यहाँ लेकर जाते थे, बाद में बाबा ने बिटिया के साथ दुष्कर्म कर दिया, कोई गलत कार्य कर दिया। इस तरह की तमाम घटनाएं हुई कि बिटिया के साथ गलत होने के बाद माँ बाप ने बाबा के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए और कई बाबाओं को सजा भी मिली। मगर सवाल तो ये भी उठना चाहिए कि क्या उन माँ बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं है जिन्होंने बिना सोचे समझे अपने बच्चों को ऐसे बाबाओं के समक्ष प्रस्तुत किया। धीरेन्द्र के बारे में मैंने पहले भी कहा था कि एक तो ये व्यक्ति प्रामाणिक रूप से अशिक्षित है, लेकिन शिक्षा का न होना अलग बात है। असभ्य होना, अनैतिक होना, असामाजिक होना, असंवैधानिक बातें कहना, ये सब अलग बात है। पिछले कुछ सालों में इस व्यक्ति को इतना कुछ मिल गया है कि इसने खुद को अहम ब्रह्मास्मि समझना शुरू कर दिया है। उसे लगने लगा है कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं चाहे जो बोल दूंगा लोग सुनेंगे और उसे ही सच मानेंगे। और इसका ये मानना गलत भी नहीं है। इस तरीके के विवाहों के कार्यक्रम में महिलाओं की बड़ी संख्या होती है, मगर सरेआम ये व्यक्ति किस तरीके से पूरे महिला समाज को अपमानित कर रहा है, इसका एक उदाहरण हाल फिलहाल में देखने को मिला है। मगर चौंकाने वाली बात यह है कि एक साथ देश की आधी आबादी को अपमानित करने पर वहां बैठी महिलाएं तालियां बजाती रहीं। धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग नाम का ये व्यक्ति, जिसे लोग बागेश्वर बाबा के नाम से भी बुलाते हैं, सरेआम महिलाओं को प्लाट कहकर बुला रहा है और महिलाएं उस पर तालियां बजा रही। अपने कार्यक्रम में बोलते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि महिलाओं के मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देखकर हम ये समझ जाते हैं कि इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है, और यदि मांग में सिंदूर न हो, गले में मंगलसूत्र न हो, तो हम ये समझ जाते हैं कि प्लॉट अभी खाली है। पिछले 5,000 सालों का इतिहास उठाकर यदि आप देखेंगे तो महिलाओं की स्थिति ऐसी ही रही है। महिलाओं को संपत्ति के रूप में समझा जाता रहा है, मगर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि महिलाओं ने भी खुद को संपत्ति के रूप में स्वीकार कर लिया था। पुरानी बातें तो और थी, आज के दौर में
में ही देख लीजिए, यदि उन्होंने खुद को संपत्ति के रूप में नहीं स्वीकारा होता तो इस बड़बोले आदमी की घटिया बात को सुनकर तालियां नहीं बजा रही होती। वैसे धीरेंद्र की इन बातों ने एक बात और सिद्ध कर दिया है कि इस व्यक्ति के पास न तो अपना कोई ज्ञान है, न अपना कोई विचार है, न अपना कोई सूत्र है। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इसके ज्ञान का बड़ा स्रोत व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नजर आता है, क्योंकि जो दो कौड़ी की बातें इसने कही है, इस तरह की तमाम बातें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर मैसेज में ठेले जाते हैं आए दिन। बाकी इस तरह के तथाकथित बाबा महिला समाज का कितना सम्मान करते हैं इसके तमाम उदाहरण हमारे सामने आ चुके हैं। धीरेंद्र के ही कार्यक्रम में एक वीडियो सामने आया जहां पर एक बिटिया को उसकी मां के सामने रेलिंग की एक तरफ से दूसरी तरफ उठाकर फेंक दिया गया। बाद में यह सफाई दी गई कि वो इनका आदमी था ही नहीं जिसने लड़की को उठाकर फेंका था। यह बड़ा बढ़िया जुगाड़ है, जो आदमी गलत कर दे उससे पल्ला झाड़ लो, लेकिन तब पल्ला कैसे झाड़ा जाएगा जब अपनी ही जबान से गंदगी निकलेगी। महिलाओं को समझ जाना चाहिए कि जो बाबा महिलाओं को प्लाट की संज्ञा देता है, जो उन्हें खरीदने बेचने की संपत्ति समझता है, उनके मन में उसके मन में महिलाओं के प्रति कैसी भावना होगी। वैसे तो धीरेंद्र पर गांव में जमीन हड़पने से लेकर धमकाने तथा अन्य तरीके के तमाम आरोप लगे हुए हैं। इनके भाई पर हाल ही में दलित बिटिया की शादी में जाकर, अपने ही गांव की दलित बिटिया की शादी में जाकर कथित तौर पर हथियार लहराने, मारपीट करने और गाली गलौज करने का आरोप लगा था। मुकदमा भी दर्ज हुआ मगर तुरंत जमानत मिल गई। वैसे मिलेगी भी क्यों नहीं, जिसके यहां राज्य के गृहमंत्री ही चरणों में गिरे पड़े हों उसके भाई को जेल भेजने की औकात किसकी है। भारत की जमीन पर महिलाओं की स्थिति के बारे में यदि आप आज पढ़ना शुरू करें तो आपकी खोपड़ियां घूम जाएगी। मामला सती प्रथा का रहा हो या फिर जुए में गिरवी रखने का, देवदासी बनाने का हो या फिर मेले में बोली लगाकर खरीदने बेचने का हो, और हाल फिलहाल में देखना हो तो तमाम बाबाओं नेताओं ने किस तरीके से महिलाओं को लेकर उत्कृष्ट काम किया है, ये सब आपके सामने है। भाजपा नेता ब्रजभूषण सिंह के मामले को ही देख लीजिए, याद कर लीजिए। महीनों तक देश की पहलवान बेटियां कार्यवाही की मांग करती रहीं मगर कार्यवाही तो बहुत दूर की बात है, बेटियों को ही दिल्ली पुलिस ने सड़कों पर बुरी तरीके से रौंद दिया। वैसे इंतजार करिए, बहुत जल्द ऐसे बाबाओं से संबंधित ऐसी ऐसी चीजें सामने आएंगी जिनसे सारी असलियत बाहर आ जाएगी। मगर चिंता की बात बस इतनी है कि अपना अपमान सुनकर भी महिलाएं तालियां कैसे बजा सकती हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारी जागृत महिलाओं का कहना है कि तुम भी सिंदूर और मंगलसूत्र पहनना शुरू करो, हमें भी पता लगाना है, हमें भी पता चलना चाहिए कि ये प्लाट खाली है या रजिस्ट्री हो चुकी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।